नमस्कार, अभी गोसलपुर में खड़े हुए हैं। कोविड 19 का तीसरा चरण चालू हो चुका है, पूरे विश्व में तीसरा चरण चालू हो चुका है। आइए इसी विषय में गोसलपुर के हमारे संभागीय प्रभारी साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि कैसी क्या पुलिस के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी, पुलिस द्वारा पॉइंट फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं जो आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखते हैं। जो बाहर से स्टेट से आ रहे हैं उनको पहले अस्पताल भेजा जाता है और डॉक्टर द्वारा उनका प्राथमिक परीक्षण किया जाता है। उसके बाद उनको शालाओं में और जो पंचायत है वहां पर रुकाया जा रहा है, 14-15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। जो स्वस्थ हो रहे हैं उनको उनके घर भेजा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। लगभग करीबन बहुत दुकानें खुल गई हैं तो उसमें 10 से 5 के बीच में पुलिस के फिक्स पॉइंट लगे हैं। लगातार थाना प्रभारी महोदय के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है और स्टाफ भी लगा है और सतत नज़र रखी जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक किसी से हाथ ना मिलाएं, दूरी बना के रखें ताकि इस बीमारी को हम हरा सकें। जी, जैसा कि आपने देखा, मिश्रा जी ने अभी जानकारी दी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आम जनता से बार बार सभी लोग आग्रह कर रहे हैं कि डिस्टेंसिंग रखें और आपका और अपने परिवार का स्वयं ख्याल रखें। जबलपुर से वीरेंद्र सिंह के साथ कैमरामैन सुधीर तिवारी की रिपोर्ट।